हेलो फ्रेंड्स, यूट्यूब के इस डिलाइट अकेडमी चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है गिरीश कुमार भाटी और आप देख रहे हो क्लास 9 की वीडियो सीरीज़ चैप्टर नंबर 2 पॉलीनोमियल, और ये है पार्ट नंबर 7। हम कुछ एक्सरसाइज 2.5 कवर कर रहे हैं और ये इसमें क्वेश्चन नंबर 4 है जिसको हम कवर कर रहे हैं। तो एंड तक देखिए, पूरी एक्सरसाइज आपको करवाएंगे 2.5। चलिए शुरू करते हैं। एक्सपांड यूजिंग आइडेंटिटीज़ x प्लस 2y प्लस 4z की स्क्वायर। तो इसमें ये जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल इस फॉर्मूले से मैच कर रहा है, a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, जिसमें a की वैल्यू x बन रही है, b की वैल्यू 2y बन रही है और c की वैल्यू 4z बन रही है। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं यहां से इसको लिख रहा हूं, तो यहां पे ए स्क्वायर कितना हो रहा है आपका एक्स स्क्वायर, बी की वैल्यू 2y थी स्क्वायर, सी की वैल्यू क्या थी आपकी 4z थी, प्लस यहाँ पे 2 है तो मैं 2 लिख रहा हूँ, यहाँ पे ab था तो a की वैल्यू x और b की वैल्यू 2y, तो x इंटू 2y प्लस यहाँ पे 2 था 2 लिख दिया, bc b b इज इक्वल टू 2y एंड c इज इक्वल टू 4z, 2y इंटू 4z प्लस यहाँ पे 2 लिख दिया और c की वैल्यू क्या थी 4z और a की वैल्यू x, तो 4z इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर 2 रेस्ट टू 4y स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16 जेड स्क्वायर, 2 2 जा 4 एक्स वाई प्लस 2 2 जा 4 4 जा 16 वाई जेड प्लस 2 4 जा 8, यहां पे ए की वैल्यू एक्स थी 2 4 जा 8 जेड एक्स। तो ये आपका आंसर हुआ। काफी आसान है, क्वेश्चन डरावने होते हैं, डिफिकल्ट लगते हैं आपको, मगर इतने डिफिकल्ट होते नहीं है। आपको सिर्फ फॉर्मूला पता होना चाहिए, बस ए बी और सी की वैल्यू निकाले और फॉर्मूले में लिखते जाइए, ऑटोमेटिक आपको आंसर मिलता जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे आगे हम। यहाँ पे देखिए वही क्वेश्चन आ रहा है, 2x माइनस वाई प्लस जेड स्क्वायर। जब भी तीन नंबर्स आपको दिखते हैं तो बिल्कुल ये इससे मैच करेगा, a प्लस बी होल स्क्वायर, जिसमें a की वैल्यू 2x, b की वैल्यू y और c की वैल्यू z दी हुई है। तो मैं ये सारी वैल्यूज को मैं यहाँ पे रखूंगा, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप। प्लस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस 2 ए बी था 2x इंटू वाई, 2xy प्लस 2 बी सी, बी इज इक्वल टू वाई और सी इज इक्वल टू जेड, वाई जेड, मगर यहां पे y देखो माइनस में है इसलिए आपको माइनस लगाना है, प्लस 2 इंटू सी सी ए, सी यहां पे जेड है और ए इज इक्वल टू 2x, तो 2xz, यहां पे भी y माइनस में था, 2 रेस टू 2 4x स्क्वायर प्लस y माइनस में है और इसका आप स्क्वायर करोगे तो आंसर प्लस में ही आएगा, और वैसे भी ये फर्स्ट तीन टर्म के अंदर कभी भी आपको माइनस नहीं दिखाई देगा और माइनस आएगा भी नहीं क्योंकि सारे नंबर्स के स्क्वायर हो जाते हैं, प्लस माइनस माइनस 4xy प्लस माइनस माइनस 2yz प्लस 2 2 जा 4xz, ये आपका आंसर हुआ। आगे बात करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहां पे देखो a की वैल्यू माइनस 2x है, b की वैल्यू 3y है और c की वैल्यू 2z है, और ये बिल्कुल ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर की तरह दिख रहा है। तो हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे पहले, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। यहाँ पे ए की वैल्यू माइनस 2x का स्क्वायर था,
बी की वैल्यू 3y का स्क्वायर था और सी की वैल्यू 2z का स्क्वायर था। यहाँ पे 2 था ए बी, 2 3 6xz माइनस 6xy प्लस 2bc, बी की वैल्यू 3y और सी की वैल्यू 2z, 3 2 6yz प्लस सी के अंदर 2 रख दिया, सी इन टू ए, सी की वैल्यू 2z और ए की वैल्यू माइनस 2, तो 2 2 4 माइनस 4xz। मैंने बोला था फर्स्ट टर्म में कभी माइनस की साइन नहीं लगेगी, 4x2 3y2 4z2 प्लस माइनस माइनस 2 6 12 xy प्लस यहां पे 2 6 12 yz होगा, यहां पे bc था इसलिए 3 into 2 yz होगा, 2 4 प्लस माइनस माइनस xz। स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट ताकि आपको सॉल्यूशन करने में इजी रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम। ओके फिर वही के वही क्वेश्चन आ रहे हैं। मैंने ए बी सी की वैल्यू ली हुई है, यहां पे ए की वैल्यू 3a बनेगी, बी की वैल्यू -7b और सी की वैल्यू -c। वैल्यू रखेंगे हम, ए की वैल्यू 3a² प्लस बी की वैल्यू -7b² प्लस सी की वैल्यू -c² प्लस 2a की वैल्यू, 2a देखिए आप 3a 37 जा -21 और यहां पे ab प्लस 2। अब bc देखिए, b माइनस माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 7bc प्लस यहां पे 2 लिखा हुआ है 2। ca देखिए तो c की वैल्यू इतनी और a की वैल्यू इतनी, 3 और ac, c माइनस में इसलिए माइनस लगेगा। अब ये हो जाएगा 9a² प्लस फर्स्ट में कभी माइनस की साइन नहीं लगेगी, 49b² प्लस माइनस माइनस 21 2 42 ए बी, 7 2 14 bc प्लस माइनस 2 3 6ac। आंसर इतने बड़े बड़े हो रहे हैं कि नोटबुक के पेज में भी नहीं आ रहे हैं, तो आपको थोड़ा समझ के चलना होगा। यहां पे देखो इस क्वेश्चन के अंदर ए की वैल्यू -2x, बी की वैल्यू -+5y, सी की वैल्यू -3z। तो यहां पे हम ए की वैल्यू को करेंगे बी की वैल्यू 5y² प्लस -3z² प्लस 2। ए बी कितना है, 5 2 10xy -10xy प्लस 2। बी सी देखो 5 3 15yz प्लस ये 2ca वाला बाकी रहा, सी ए देखो सी और ए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 2 6xz। पहले टर्म में कभी माइनस नहीं आएगा, 4x² 25y² 9z² प्लस प्लस माइनस माइनस 2 10 20xy प्लस माइनस माइनस 15 2 30yz प्लस 6 2 12xz। ये आपका आंसर हुआ। तुरंत स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। बहुत ही हार्ड सम बच्चों के लिए आया है, एक बार देख लीजिए। मैं काफी एकदम जीरो स्पीड से करूंगा, बहुत ही स्लोली स्लोली इसको जाऊंगा।
ताकि आपको ये समझ में आए। ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा भी गया है और क्लास 9 के हिसाब से तो ये क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं होना चाहिए, मगर आपका एलजेब्रा और ये कच्चा रहेगा तो आप इसके अंदर डेफिनेटली गलती करोगे, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को बहुत ही स्लोली स्लोली करूँगा। ठीक है, यहाँ पे देखो इस क्वेश्चन में ए बी और सी, ए की वैल्यू 1/4 है, बी की वैल्यू 1/2b और सी की वैल्यू 1 दिया हुआ है, तो हम ये सारी वैल्यूज को यहाँ पे रखेंगे। वन बाय फोर ए स्क्वायर प्लस बी की वैल्यू 1/2 स्क्वायर और सी की वैल्यू 1 स्क्वायर प्लस 2, ए कितना था 1/4 ए, बी कितना था 1/2 बी प्लस, अब 2bc की बारी आई, बी की वैल्यू कितनी थी 1/2 बी, सी की वैल्यू 1 थी प्लस, अब 2ca की बारी, सी की वैल्यू 1 थी और ए की वैल्यू 1/4 ए थी, राइट। 1/4 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/16 ए स्क्वायर प्लस, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1/4 बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 प्लस, ये 2 कट हो गया ए इंटू बी, ए बी बाय 4 प्लस, ये 2 कट हो गया बी इंटू 1 इज इक्वल टू बी प्लस 2 सा कट हो गया तो यहाँ ए बाय 2। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन यहाँ पे आंसर हो जाता है। अब हम आगे चलेंगे कि अभी तक आपने जो भी किया है, हमने इस क्वेश्चन से ये आंसर बनाया था, अभी आपको इस क्वेश्चन से आपको ऐसे आंसर बनाने हैं, फैक्टराइज करने हैं, मतलब जो काफी बड़ा क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे, तो इस क्वेश्चन को हम शॉर्ट में करके छोटा बनाएंगे। ठीक है, तो मैं आपको छोटी सी ट्रिक सिखा रहा हूं। देखो यहाँ पे ये 1, 2, 3 को छोड़कर क्या करना है, अब देखो पहले मैं आपको शॉर्ट ट्रिक सिखा लेता हूं। देखो यहां से क्या बनेगा, 4x है तो क्या बनेगा, यहाँ पे 2x बनेगा, 9y है तो यहाँ पे 3y बनेगा, और यहाँ पे 16 है तो यहाँ पे 4z बनेगा। आपको स्क्वायर रूट याद कर लेना है। ठीक है, अब देखो ये जो टर्म है उसको मैंने 1 दिया है, इसको 2 दिया है और इसको 3 दिया हुआ है। अगर 1, 2 के अंदर माइनस आता है तो बी के आगे माइनस करना है, 2, 3 के अगर माइनस आता है तो सी को माइनस करना है, और 3, 1 को माइनस आगे माइनस आता है तो ए को माइनस करना है। यहाँ पे देखो किसके आगे माइनस आ रहा है, 2 के आगे माइनस आ रहा है और 3 के आगे भी माइनस आ रहा है, तो 2 और 3 के आगे माइनस आ रहा है, इसलिए हम क्या करेंगे सी को माइनस करेंगे। तो यहाँ पे देखो ये ए हुआ, बी हुआ और ये सी हुआ, तो सी के आगे क्या कर लेंगे हम, माइनस कर लेंगे बाकी प्लस में, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 2x 4z स्क्वायर। ये काफी 100% वर्किंग शॉर्ट ट्रिक है, आप हर एक क्वेश्चन में लगाना, आपको तुरंत आंसर मिल जाएंगे, कोई डिफिकल्टीज नहीं आएगी। ठीक है, ये ट्रिक आपको याद रखना है, 1, 2, b 2, 3, c और 3, 1, a, अगर इनके आगे माइनस आता है तो आप उसको उस टर्म को माइनस कर दीजिए। ये ट्रिक हर एक में काम करेगी, हम इस ट्रिक के बेस के ऊपर ही क्वेश्चन करेंगे। हालांकि ये क्वेश्चन, ये सॉल्व करने का तरीका ये बराबर नहीं है, मगर आप क्वेश्चन देख के तुरंत आप आंसर ला सकते हो। अगर आपको 1 मार्क्स में या MCQ में या कुछ छोटे मार्क्स में, कम मार्क्स में आपको क्वेश्चन पूछा जाता है और आपके पास टाइम नहीं है, तो आप इस तरीके से आंसर ला सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, यहां पे फिर 2 का स्क्वायर रूट क्या निकलता है, √2, यहां पे x था इसलिए यहां पे x लिखेंगे, y स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या निकलेगा y, और 8 का स्क्वायर रूट क्या निकलेगा 2√2, यहां पे z है इसलिए z आएगा। अब देखो किसके आगे माइनस की साइन लग रही है, देखो एक तो 1 के आगे माइनस की साइन है और 3 के आगे -1 की साइन है, तो 3 और 1 के आगे माइनस की साइन है इसलिए किसको ए लगाना है, ए के आगे माइनस की साइन लगाना है, तो हम क्या करेंगे यहां पे माइनस लगा देंगे, बाकी के अंदर प्लस लगाएंगे, तो क्या हो जाएगा ये −√2x प्लस y प्लस 2√2z होल स्क्वायर, ये आपका आंसर हुआ। आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, आप इस साइन को, इसको प्लस करके आप इन दोनों को माइनस भी कर सकते हो,
और वैसे भी हो सकता है, मगर आप इस टेक्निक से चलोगे तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा और तुरंत आपको आंसर भी मिल जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा ये क्वेश्चन नंबर 6 आ रहा है एक्सपांड, और इसमें देखो पावर क्यूब में आ रही है, तो ये तो आपको क्लियरली दिख जाएगा ये किसका फॉर्मूला है, ए प्लस बी क्यूब है, तो ए क्यूब प्लस थ्री ए स्क्वायर, थ्री ए स्क्वायर बी प्लस थ्री ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब, जिसमें ए की वैल्यू 2x बनेगी और बी की वैल्यू 1 बनेगी। तो अभी हम क्या करेंगे, जहां पे ए होगा वहां पे 2x, बी होगा वहां पे 1 लिखेंगे, 2x रेस टू 3 प्लस 3 2x स्क्वायर 1 प्लस 3 1 रेस टू 2 2x प्लस 1 रेस टू 3 2 रेस टू 3 8x क्यूब, 2 रेस टू 2 4 4 3 जा 12 12x स्क्वायर प्लस 1 रेस टू 2 1 इंटू 3 2 जा 6 प्लस 1, ये आपका आंसर हुआ। स्क्रीनशॉट लेना ले लीजिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम। सेम ए माइनस बी का क्यूब लगेगा, क्यूब आ रहा है इसलिए, ए की वैल्यू 2a, बी की वैल्यू -3a। अभी हम सॉल्व करेंगे, ए की वैल्यू 2a दिया हुआ है, -3 स्क्वायर बी की वैल्यू 3b प्लस 3 2a -3b स्क्वायर प्लस बी की वैल्यू क्या थी 3b होल क्यूब। टू ए की पावर 3 इज इक्वल टू 8a क्यूब माइनस 2 रेस टू 2 4 3 जा 12 3 जा 36 3 रेस टू 2 9 2 जा 12 9 2 जा 18 18 3 जा 54 माइनस है, ऑलरेडी माइनस लिखने की जरूरत नहीं थी, हमने फॉर्मूला लगा दिया है इसलिए, तो ए बी स्क्वायर हो जाएगा प्लस 3 एस टू 3 इज इक्वल टू 27 बी क्यूब। तो याद रखना है यहां पे माइनस आता है तो ए माइनस बी का क्यूब फॉर्मूला लगाना है, और प्लस आता है तो फिर सब में प्लस ही आएगा, ठीक है। जहां पे बी की पावर 1 है आगे माइनस लगाना है, देखो यहां बी की पावर 2 है तो प्लस हो गया, b की पावर 1 होती है तो यहां पे माइनस लग गया, बाकी b की पावर 3 है तो ये ऑड नंबर आता है इसलिए ये माइनस में हो जाएगा। तो आपको यहां पे क्या लगाना पड़ेगा, माइनस लगाना पड़ेगा, क्योंकि b के आगे माइनस की साइन है, और कभी भी माइनस साइन, माइनस की साइन होती है और उसकी पावर ऑड में जाती है तो उसका आंसर क्या आता है, माइनस में ही आता है, ठीक है। आगे चलेंगे, क्यूब है और प्लस है, ये फॉर्मूला लगेगा आपको, कोई साइन माइनस में नहीं जाएगी, ए की वैल्यू 3/2x है, बी की वैल्यू 1 है, वैल्यू रखते हैं हम फटाफट, 3/2x क्यूब प्लस 3/2x स्क्वायर 1 प्लस 3/2x 1 का स्क्वायर प्लस 1 रेस टू क्यूब, 3 का क्यूब 27, 2 का क्यूब 8, x का क्यूब 3 इंटू 9 4 एक्स स्क्वायर, 1 की वैल्यू कोई काउंट नहीं करनी है, 3/2x प्लस 1 की पावर कितनी भी हो 1 ही आंसर आने वाला है, 27/8 एक्स क्यूब प्लस 39 जा 27/4 एक्स स्क्वायर प्लस 33 जा 9/2
एक्स प्लस वन, ये आपका आंसर हुआ। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इजी रहेगा आपके लिए। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे, ऐसे ही क्वेश्चंस हैं मगर आपको सिर्फ प्लस माइनस का डिफरेंस पता होना चाहिए। यहां पे ए की वैल्यू एक्स बन जाएगी और बी की वैल्यू टू बाई थ्री वाई बन जाएगा। मैं वैल्यू रख रहा हूं यहां पे, टू बाई थ्री वाई स्क्वायर माइनस टू बाई थ्री वाई रिज टू थ्री। यहां पे ये एक्स क्यूब हो गया माइनस, देखो थ्री थ्री कट हो जाएगा, तो टू वाई एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स इंटू टू रेज टू टू फोर नाइन वाई स्क्वायर माइनस टू रेज टू थ्री एट, थ्री रेज टू थ्री ट्वेंटी सेवन वाई क्यूब। एक्स क्यूब माइनस टू वाई एक्स स्क्वायर थ्री थ्री जा प्लस फोर वाई स्क्वायर एक्स बाय थ्री प्लस सॉरी माइनस, या माइनस है इसलिए माइनस, एट बाय ट्वेंटी सेवन वाई क्यूब हो गया। तो इस वीडियो में हम यहां तक ही रखेंगे, वीडियो की लेंथ काफी लंबी हो गई है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, और नेक्स्ट वीडियो में हम पार्ट सेवन में मिलेंगे आपको, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर सेवन। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, हम आपको मिलते हैं पार्ट सेवन के अंदर।